वेलकम टू द फूड एंड हेल्थ। फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में हम बेसिक डेफिनेशंस और ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी को जो है वो डिफाइन भी करेंगे और इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी असल में दो लफ्ज़ों का मरकब है जो कि दो ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह बायोलॉजी की डेफिनेशन ये हुई कि द स्टडी ऑफ अ लाइफ इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। ज़िंदगी के बारे में जितने भी स्टडी की जाती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पौधे हों, उनके बारे में जो भी स्टडी किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ ए लाइफ इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। जैसे कि पिछली स्लाइड में अभी हमने बात की कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी असल में बायोलॉजी की ही ब्रांचेज हैं, ये उसी के ही सब डिवाइडेड एरियाज़ हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ हम एनाटॉमी का जो है इंट्रोडक्शन करेंगे। फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड एनाटॉमी भी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एना एंटीमोस। एना का मतलब होता है आप, एंटीमोस का मतलब होता है कटिंग। इस तरह ह्यूमन बॉडी का ये मतलब हुआ कि हम ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड करके, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्लासीफाई करके जो स्टडी करते हैं वो उसको कहते हैं एनाटॉमी। एंड द सेकंड इज़ द डाइसेक्शन। डाइसेक्शन असल में क्या है? एक प्रिंसिपल टेक्निक है जो कि आइसोलेट के लिए यूज़ करती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के स्टडी करते हैं। तो इस तरह डाइसेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? अ प्रिंसिपल टेक्निक यूज टू आइसोलेट एंड स्टडी द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी क्या है? यहाँ इस स्लाइड में मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, जो भी आपको इजी लगे आपने वो याद कर लेनी है। तो फर्स्ट हम पहली डेफिनेशन को देखते हैं। एनाटॉमी इज ऑफन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स। एनाटॉमी असल में मेडिकल साइंस की वो शाख है जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की बनावट और आपस में तल्लक के बारे में जो तशरीह की जाती है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके साथ अभी हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मीन कि क्या हुआ कि एनाटॉमी जो है वो मेडिकल साइंस या बायोलॉजी की ही ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर जो है ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर हम डिफरेंट बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको और उनके आपस में जो रिलेशनशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो स्टडी करेंगे बाजू की, टांग की, इसके अलावा हार्ट की स्टडी करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो ये जितनी भी स्टडीज़ हैं इनका आपस में जो है वो कोई तल्लक है, इनका आपस में जो है वो कोई रिलेशन है। तो इस रिलेशन को जो है वो हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नाउ वी स्टार्ट द ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। मैंने यहाँ पर 17 ब्रांचेज लिखी हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई ब्रांचेस का पता है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इनके अलावा आपको कौन सी जो है वो ब्रांच का पता है। तो देखते हैं कितनी ब्रांचेस हैं। रीजनल एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, सबटेंकोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और आखिरी है डर्माटोलॉजी। तो आइए अब हम इनको जो है वो एक एक करके डिफाइन भी करते हैं और साथ में इनकी डिटेल और एग्जांपल्स भी देखते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ रीजनल एनाटॉमी। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है रीजन। रीजन का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट। तो इस तरह रीजनल एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी that deals with the study of the any specific part of the body। human body के किसी भी specific part की study को जो है वो regional anatomy कहा जाता है। इसमें हम हर अज़ू की जो है जोग्राफियाई तशरीह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स आम। आम क्या है? एक specific part है, एक specific region है body का।
इसकी स्टडी को रीजनल एनाटॉमी कहेंगे। लेग लेग भी एक रीजन है, एक स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का। हेड एंड नेक इज आल्सो अ स्पेसिफिक पार्ट, इट हैज अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ ह्यूमन बॉडी। दिस ऑल इज कॉल्ड अ रीजनल एनाटॉमी। सेकेंड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज अ सिस्टेमिक एनाटॉमी। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, सिस्टेमिक मतलब के सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। इस तरह सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर हम जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी के मुतालिक जितना भी तशरीह करते हैं उसको हम सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ सिस्टेमिक एनाटॉमी। एग्जाम्पल्स में क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसकी स्टडी को जो है वो किया जाता है, और ये जो है वो सिस्टेमिक एनाटॉमी की एग्जाम्पल है। नर्वस सिस्टम, जितना भी असाबी निज़ाम है उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो ये भी एक सिस्टम में क्लासीफाई हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ्फुस के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है वो उसको एक सिस्टम के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह ये तीनों सिस्टम क्या हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस तरह सिस्टम्स की स्टडी को जो है वो हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। इसको हम अप्लाइड एनाटॉमी भी कह सकते हैं और इसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी कह सकते हैं। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये क्लिनिकल से रिलेटेड ही होगी। इसके अंदर जो है वो डिजीज़ के डायग्नोसिस करने में और इसको ट्रीटमेंट करने के अंदर स्टडी करना कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फीवर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सी। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर रेज किया, इंक्रीज़ किया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। तो फीवर को डायग्नोज करना और फीवर को ट्रीट करना, ये सब किसके अंदर आएगा? क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। किडनी स्टोन्स, यहाँ पे नॉर्मल किडनी की बात नहीं हो रही, किडनी के अंदर स्टोन्स की बात हो रही है। तो किडनी स्टोन्स को इंडिकेट करना, उसको डायग्नोज करना और फिर उसको ट्रीटमेंट देना, दीज ऑल आर स्टडीज़ अंडर द क्लिनिकल एनाटॉमी। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज एस्थमा। एस्थमा किसकी एग्जाम्पल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्टर्बेंस को। तो ये सब की स्टडी को हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। द फोर्थ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अ फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी असल में फिजियोलॉजी से तकरीबन जो है वो मिलती जुलती है। जो कारकर्दगी आँखों से दिखाई देती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी इन इट्स रिलेशन टू फंक्शन एंड इट इज़ सिमिलर टू द फिजियोलॉजी इज कॉल्ड अ फंक्शनल एनाटॉमी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स GIT फंक्शन। GIT फंक्शन के अंदर एसोफेगस का जो रोल है, कैसे खुराक जो है वो एसोफेगस में से पास आउट होके वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फिर स्टमक के अंदर कैसे जा रही है और स्टमक उसके साथ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है, इन सारे फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ किडनी फंक्शंस। किडनी जो है वो कैसे यूरिन बनाते हैं, ब्लड एंड द वाटर को कैसे सेपरेट करके यूरिन जो है वो बनता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। फिफ्थ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अ क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, तीन वर्ड्स हैं, क्रॉस सेक्शन एंड एनाटॉमी। क्रॉस मीन के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को है जो है वो क्रॉस करना है, आपने डिफरेंट डिवीजन करनी है उसकी, उसके डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं। तो इनके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये मोस्टली जो है वो डिजीज़ के अंदर जो स्टडी की जाती है इसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MRI करवाना या CT स्कैन करवाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में भी शो हो रहा है कि हेड का जो है वो अगर CT स्कैन करवाएं तो उसको हम कहते हैं एक्सल CT ब्रांड्स। MRI करवाएं तो एक्सल MRI T2। तो ये क्या एग्जाम्पल हुई? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो MRI करवाएं तो एक्सल MRI T2 उसको कहते हैं। तो इन सब की जो स्टडीज़ होते हैं इसके सेक्शन पार्ट की स्टडी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। सिक्स ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अ ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस का मतलब होता है नेकेड आई की मदद से जो है वो जायज़ा लेना, जिसके लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना हो, किसी भी आलात की जो है वो मदद दरकार ना हो और हम जो है वो आँख की मदद से जायज़ा ले सकें, इसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी।
It is the branch of anatomy which deals with the study of structure of human body parts by naked eye. Examples include the muscles, bones, digestive organs या skin. ये जितने भी examples हैं इनको हम अपनी naked eye की मदद से जो है वो देख भी सकते हैं और इनका जायज़ा भी ले सकते हैं. तो इस study को हम कहेंगे gross anatomy. The next seventh branch of human anatomy is the histology. Histology is derived from a Greek word histo and the logos. Histo का मतलब होता है tissues या microscope. Logos का same वही meaning है science and the treatise. Microscope की मदद से जो study की जाती है इसको हम कहते हैं histology. It is a branch of anatomy which deals with the study of structure of tissues and the organs as seen through a microscope. जो चीज़ें हमें अपनी आँख की मदद से दिखाई नहीं देती और हमें उसके लिए जो है वो किसी माइक्रोस्कोप की या किसी दूरबीन की और किसी आलात की जो है ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी के अंदर जो है वो आउटसाइड ऑर्गन्स को स्टडी नहीं किया जाता, इनसाइड जितने भी उनकी डीप जो स्टडीज़ हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ द एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रियो एंड द लोगोस. एम्ब्रियो का मतलब होता है न्यू डिवेलपमेंट एंड लोगोस का सेम वही मीनिंग है साइंस एंड द ट्रीटाइज. तो इस तरह एम्ब्रियोलॉजी का ये मतलब हुआ कि वो स्टडी जो कि न्यू डिवेलपमेंट के बारे में होती है या पूरे ड्यूरिंग डिवेलपमेंट जो चेंजेस होती हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है. और जो इसके मज़ीद स्टडीज़ करते हैं या इसका इलाज करते हैं या इसका पार्ट होते हैं तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी कहते हैं. इसके अंदर जो है वो जो न्यू डिवेलपमेंट है वो फर्स्ट से लेके जो फीटस बन रहा है माँ के पेट के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही हैं फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 9 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर वो सारी स्टडीज़ जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ही की जाती हैं. इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द डिवेलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइटोलॉजी. साइटोलॉजी भी डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइटो एंड द लोगोस का. साइटो का मतलब होता है सेल एंड द लोगोस का मतलब सेम वही है साइंस एंड द ट्रीटाइज. तो इस तरह साइटोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ अ सेल. साइटोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर क्या है सेल का, उसका फंक्शन क्या है और फिर उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर उन कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है. ह्यूमन बॉडी का सेल्स, प्लांट सेल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब का सेल जो है वो डिफरेंट है. तो इन सब की स्टडीज़ को डिफ्रेंशिएट को जो है वो हम भी साइटोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं. और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं या कोई सेल को ट्रीटमेंट करता है तो इसको हम साइटोलॉजिस्ट भी कहते हैं. साइटोलॉजी के अंदर सिर्फ जो है वो हम सेल का स्ट्रक्चर ही स्टडी नहीं करते, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं सेल के अंदर, इनसाइड कितने कंपोनेंट्स हैं और फिर वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी सेल के अंदर क्या लोकेशन है और उनकी सेल के अंदर क्या शेप है. अगर उनकी स्ट्रक्चर या उनकी शेप या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं तो उससे क्या हुई, कोई ना कोई डिजीज़ हो गई सेल से रिलेटेड. तो सबसे जो बड़ी डिजीज़ है सेल से रिलेटेड वो है कैंसर. तो इन सब एबनॉर्मेलिटीज़ की जो स्टडीज़ हैं वो भी हम साइटोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं. तो इस तरह साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड अ साइटोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज द ऑस्टियोलॉजी. इट इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑस्टियो एंड द लोगोस. ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स एंड द लोगोस का मतलब होता है साइंस एंड द ट्रीटाइज. तो इस तरह ऑस्टियोलॉजी का मतलब ये हुआ स्टडी ऑफ द बोन्स. यहाँ पर भी ऑस्टियो का वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब होगा वो बोन्स की स्टडी के बारे में ही है. और जो भी उसने बोन्स की स्टडी करता है या बोन्स के अंदर स्पेशलाइज करता है तो उसको हम ऑस्टियोलॉजिस्ट भी कहते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स. ऑस्टियोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. जो छोटा बेबी होता है उसकी नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती हैं, 300 से ज़्यादा जो है वो नंबर बोन्स पाई जाती हैं, जबकि जो यंग एंड एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं. तो डिफ्रेंशिएट हो गया कि बेबी के अंदर बोन्स ज़्यादा है और यंग एडल्ट के अंदर जो है बोन्स की
इस्तेदाद कम है, वो कैसे कम हुई, इसको हम स्टडी करने को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। फिर इसके अंदर बोन्स की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है बॉडी के अंदर, फिर उन बोन्स का क्या फंक्शन है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, अगर जो है वो कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी नॉर्मेलिटी ओरिजिनेट हो जाती है और ह्यूमन बोन जो है वो काम करना छोड़ देती है, और इसके अंदर जो है वो कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो गई, डिसफंक्शन हो गया, तो क्या वह बोन ने काम करना छोड़ दिया। इसके बारे में इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसका जो डायग्नोस होगा, फिर उसका जो मुकम्मल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये सब भी हम ऑस्टियोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, आर्थ्रो एंड लोगोस। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट्स, एंड लोगोस का वही सेम मीनिंग है, साइंस एंड द ट्रीटाइस। ज्वाइंट्स की स्टडीज़ को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर ज्वाइंट्स की क्या फंक्शन है, या फिर ज्वाइंट्स के साथ कोई भी जो है वो डिसफंक्शन हो गया है, कोई नॉर्मेलिटी हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई है, फिर उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट जो है वो जो करना है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। और जो भी आर्थ्रोलॉजी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको हम आर्थ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, उसके काम को, डिसफंक्शन, उसके अंदर जो बीमारी पैदा हुई है, उसके परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो गड़बड़ पैदा हुई है, एंड द ट्रीटमेंट, और फिर उसका जो इलाज है जॉइंट्स का एंड आर्टिकुलेशंस का जो है वो, उसको हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज द स्प्लेंकोलॉजी। द टर्म डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स स्प्लेक्नो एंड द लोगोस। स्प्लेक्नो का मतलब होता है विजराज, मीनिंग के आंतड़ियों के मतलब जो स्टडी की जाती है उसको स्प्लेंकोलॉजी कहते हैं, एंड लोगोस का सेम वही मीनिंग है, साइंस एंड द ट्रीटाइस। अब इसमें हम जो है वो जितने भी बॉडी के अंदर विजरल ऑर्गन्स हैं, उनकी स्टडी को हम स्प्लेंकोलॉजी कहते हैं। स्प्लेंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द विजरल ऑर्गन्स, डैट इज कौन कौन से विजरल ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यूरिनरी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है विजरल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं स्प्लेंकोलॉजी। अब हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन और उनका फंक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल स्टडीज़ के अंदर आएंगी स्प्लेंकोलॉजी के अंदर। अब जो है वो फंक्शन नॉर्मल तो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं विजरल, अगर उनके अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं, कोई अबनॉर्मेलिटी या डिसफॉर्मेलिटी हो जाती है, या उनके अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो कंडीशन ख़राब हो गई है, तो ये सारी जो स्टडीज़ हैं नॉर्मल एंड डिसफंक्शन, दीज ऑल आर स्टडीज अंडर द स्प्लेंकोलॉजी एनाटॉमी। द नेक्स्ट 13th ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ मायोलॉजी। इट इज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ अ टू वर्ड्स, डैट इज़ मायो एंड द लोगोस। मायो का मतलब होता है मसल्स, एंड द लोगोस का मतलब होता है साइंस एंड द ट्रीटाइस। जहाँ पर भी मायो का वर्ड यूज़ होगा वो मसल्स को ही इंडिकेट करेगा। मायोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं, मसल्स के बारे में, कंप्लीट मसल्स की जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं मायोलॉजी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ मसल्स हैं, फिर उन मसल्स की क्या लोकेशन है, उनकी क्या शेप है और उनका क्या फंक्शन है, इन सब की स्टडीज़ को हम कहते हैं मायोलॉजी। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि बाजू के जो मसल्स हैं वो टांग के मसल से डिफरेंट हैं, फिर एब्डोमिन के जो मसल्स हैं वो बाजू और टांग के मसल से डिफरेंट हैं, नेक के अंदर जो मसल्स हैं उनका अपना एक फंक्शन है, हार्ट के जो मसल्स हैं उनका अपना एक फंक्शन है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी एक शेप है जो कि बाकी मसल से टोटली डिफरेंट है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके भी अपने मसल्स हैं, उनका अपना एक फंक्शन है, उनका अपना एक रोल है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स है, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और इसी तरह उनके डिफरेंट जो है उनके काम है, तो इन सब की स्टडीज़ को हम कहते हैं मायोलॉजी। अगर इन मसल्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, या कोई मसल्स काम करना छोड़ देता है, या फिर जो कोई मसल्स है वो वर्कआउट नहीं कर रहा, या नॉर्मल फंक्शन परफॉर्मिंग नहीं हो रही उसके अंदर, और उसकी जो है वो कोई डिजीज़ ओरिजिनेट हो गई है, कोई भी मसल से रिलेटेड कोई बीमारी आ गई है, तो उस बीमारी को डायग्नोज करना और फिर उसको ट्रीटमेंट देना, ये सारी स्टडीज़ हम किस में करते हैं, ये हम मायोलॉजी के अंदर ही स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट
and the action of muscles is called a myology. Next branch of human anatomy is a neurology. Neurology भी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, न्यूरो एंड द लोगोस. न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स या नर्वस सिस्टम एंड लोगी का मतलब होता है सेम वही है साइंस एंड द टीटाइज. जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही होगी. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है या खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी हो गई है, उसकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसका डिसफंक्शन हो गया है. उस डिसफंक्शन की स्टडी को भी हम न्यूरोलॉजी के अंदर ही रखते हैं. फिर उस जो डिसफंक्शन है उसके ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना है, उस ट्रीटमेंट को भी हम न्यूरोलॉजी के अंदर ही पढ़ेंगे. न्यूरोलॉजी का जो भी साइंटिस्ट होता है जो इसके बारे में मज़ीद जो है वो स्टडी करता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं. तो इस तरह द ब्रांच ऑफ मेडिसिन और बायोलॉजी दैट डील्स विद द एनाटॉमी फंक्शन and organic disorders of nerves and the nervous system is called a neurology. The next 15th branch of human anatomy is the angiology. It is also derived from a Greek words angion and the logos. Angions means the vessels and logos means the titis. Iske andar two systems ki jo hai wo study ki jati hai, ek blood vessels ko aur dusra lymphatics ko. Human body ke andar two systems jo hai wo flow karte hain, jo kaun se hain, ek blood aur dusra lymph systems. तो इसकी स्टडीज़ को जो है वो हम एंजियोलॉजी कहते हैं. इसके अंदर ब्लड की कंप्लीट जो है वो स्टडीज़ करना और लिम्फेटिक सिस्टम्स की लिम्फ को जो है वो कंप्लीट स्टडी करना, उसके फंक्शन को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी पोजीशंस को स्टडी करना एंड फिर उसके अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो पैदा होती हैं उनकी स्टडीज़ कर लो और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टर्बेंस जो जब होती है तो उसे बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. इन सब की स्टडीज़ को हम कहते हैं एंजियोलॉजी. एंजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ एंडोक्राइनोलॉजी. एंडोक्राइनोलॉजी इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थ्री वर्ड्स एंडोक्राइन एंड द लोगोस. एंडो का मतलब होता है विद इन. साइंस के अंदर दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एंडो एंड द एक्सो. एंडो का जहाँ पे भी वर्ड्स यूज़ होगा इसका मतलब होगा विद इन एंड द इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड. एंड द क्राइन मीनिंग सेपरेट और द सेक्रेट, किसी भी चीज़ की सेक्रीशन जो है उसको कहते हैं क्राइन. एंड द लोगोस का सेम वही मीनिंग है ट्रीटाइज एंड द साइंस. तो एंडोक्राइनोलॉजी एक्चुअली क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स की सेक्रीशंस को कहते हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस को कहते हैं, हार्मोन्स की परफॉर्मेंस को जो है वो हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं. एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर इसको एंडोक्राइनोलॉजी को एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं. ठीक हो गया. एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हार्मोन्स की सेक्रीशन हो गई, मेल एंड फीमेल्स के अंदर कौन से हार्मोन्स हैं, उनका ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या पोजिशंस हैं, क्या लोकेशंस हैं, वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, फिर वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस के साथ साथ उनकी अमाउंट ऑफ सिक्रीशन क्या है, उनकी स्टिमुलेशंस क्या है, क्या वो अपनी अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं या अपनी अमाउंट से कम रिलीज़ हो रहे हैं. कोई भी डिस्टर्बेंस जब पैदा होती है तो इसको क्या कहते हैं, डिसफंक्शन. मेन के उसकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो गई है, फिर उस डिसेबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसको कैसे जो है अपने ट्रीट करना है. सपोज़ के हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, फिर उसको नॉर्मल कैसे करना है. इन सब स्टडीज़ को जो है वो हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं. एंडोक्राइनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम, इट्स डिजीजेज एंड इट्स स्पेसिफिक सेक्रीशंस नोन एज अ हार्मोन्स. द लास्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ डर्माटोलॉजी. डर्माटोलॉजी इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स डर्माटॉस एंड द लोगोस. डर्मा का मतलब ये होता है स्किन एंड लोगोस का मतलब होता है ट्रीटाइज. तो इस तरह डर्माटोलॉजी का मतलब ये हुआ कि स्किन के बारे में जो भी स्टडी की जाएगी उसको हम डर्माटोलॉजी कहेंगे. डर्मा के जो साइंटिस्ट होते हैं या जो डर्मा के अंदर स्पेशलाइज होते हैं उनको हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट. डर्माटोलॉजी के अंदर स्किन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी की जाएगी इसको हम डर्माटोलॉजी कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्किन का क्या फंक्शन है, स्किन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, और फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर और उसके फंक्शन के अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ कि फेस पे अगर आपकी एक्नी निकल आती है,
ठीक है, या फिर जो है वो कोई और स्किन प्रॉब्लम हो गई, या स्किन जो है वो उसका कलर चेंज हो गया, स्किन के ऊपर जो है कोई बीमारी आ गई है, इनके फिर ट्रीटमेंट जो करना है उसकी स्टडी को हम कहेंगे डर्माटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ मेडिसन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड द डर्माटोलॉजी।